कहानी के स्टार्टिंग में मिस्टर हान को देखते हैं जो कि एक पर्सन का हॉट सीन देख रहे होते हैं और उसकी नज़र उस लड़की से हटती ही नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है वो अपने घर जाते हैं तो उनकी वाइफ भी कहने लगती है, हबी आज आपको आने में देर हो गई, क्या आप किसी मीटिंग में बिजी थे? तो यहाँ पे फिर से उन्हें उसी लड़की का चेहरा याद आने लगता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले किसी और पर्सन के साथ देखा था। उसके बाद उनकी वाइफ भी उनसे कहने लगती है कि मैंने आज एक डांस टीचर को बुलाया है जो हमें डांस की प्रैक्टिस करवाने वाली है। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है याया की, जिसे देखने के बाद तो मिस्टर हान उठ जाते हैं और याया को देखकर कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने वहाँ पर देखा था, और वो पूछने लगते हैं उससे उसका नाम। याया यहाँ पे मन ही मन सोचती है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। यहाँ पे हमें याया की लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि याया एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट के दौरान बचपन में ही मारे गए थे, जिसके बाद याया अकेले ही पली बड़ी है। यहाँ पे याया को स्कूल में एक बॉय से प्यार हो जाता है जो कि मिस्टर हान होते हैं। मिस्टर हान उसे प्रपोज कर देते हैं तो याया उनसे मैरिज भी कर लेती है। 2 साल तक उनकी मैरिज काफ़ी अच्छे से चलती है और याया प्रेग्नेंट होती है। इस दौरान वो एक अच्छे से स्कूल में टीचर बन जाती है। लाइफ में सब कुछ था लेकिन अचानक आ जाता है उनकी लाइफ में तूफान, जब उनकी लाइफ में उनकी स्टूडेंट भी एंट्री लेती है जिसने कि उनके हस्बैंड को ही उनसे छीन लिया और उन दोनों ने मिलकर याया का एक्सीडेंट करवा दिया जिसके बाद याया की डेथ हो जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि याया अपनी कार लेकर जाती है लेकिन उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड को हेल्प के लिए कॉल करती है बट उसके फ़ोन को भी उठाती है और उसे कह देती है कि हम दोनों ने मिलकर ही तुम्हारे ब्रेक्स को फेल किया है क्योंकि हम तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम्हारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। मिस्टर हान तुमसे प्यार नहीं करते हैं बल्कि मुझसे प्यार करते हैं, और साथ में वो अपनी और मिस्टर हान की एक वीडियो भी याया के पास सेंड कर देती है। याया को समझ में आ जाता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, वो भी वी के साथ मिलके। याया याद करती है कि वो अगली कैसे बनी थी क्योंकि उसके फेस पे एक कट होता है। असल में जब मिस्टर हान को एक बार साइट पे काम होता है तो उनके ऊपर कुछ सामान गिरने वाला होता है लेकिन याया ने उस समय उनकी जान बचाई थी जिसके बाद उसके फेस पे वो कट आ गया था। याया अब समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने और उसके स्टूडेंट ने उसे चीट किया है, अब वो मरने वाली है लेकिन मरते समय भी यही कहती है कि अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों यही होता है, हमारी हीरोइन बच जाती है। जब याया यहाँ पे इस हादसे से बच जाती है तो वो अपनी सर्जरी कराकर अपना गेटअप चेंज करा लेती है ताकि उसे कोई ना पहचान पाए। मिस्टर हान तो उस पे पूरे लट्टू हो चुके थे। उसके बाद मिस्टर हान जब अपनी वाइफ के साथ होते हैं तो उनकी वाइफ भी उनके करीब आने की कोशिश करती है ताकि उनका बेबी हो सके, बट मिस्टर हान के दिमाग में तो याया चल रही होती है इसलिए वो उसे अपने से दूर कर देते हैं। आगे देखते हैं याया को जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। मिस्टर हान वहाँ पे आते हैं तो वो उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव अंदाज में अपनी तरफ बुलाती है और कहती है 2 दिन बाद आप दोनों की एनिवर्सरी है ना, चलिए तो मैं आपको डांस करना सिखा देती हूँ ताकि आप अपनी वाइफ के साथ परफॉर्मेंस कर पाए। मिस्टर हान तो उसे देख कर खुश हुए जा रहे थे, वो उसके साथ डांस करने के बहाने उसे टच करने की कोशिश करते हैं बार बार लेकिन यहाँ पर याया उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करने देती है, बस उन्हें टीज करती रहती है जिससे कि मिस्टर हान और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पहुँच जाती है वी और कहने लगती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो याया कह देती है कुछ नहीं बस मैं आपके हस्बैंड को डांस करना सिखा रही थी। वी को जेलस फील होता है उन दोनों को साथ में देखकर, इसलिए वो अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे कहने लगती है याया हान जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है वही मैं तुम लोगों के साथ करने वाली हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ क्योंकि गेम स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है पार्टी वाली रात जहाँ पर अपनी वाइफ के साथ होते हैं मिस्टर हान। दूर से उन्हें याया देख रही होती है और उन्हें अपने करीब बुलाने के लिए वो एक ड्रिंक की बोतल को उतारने लगती है लेकिन मिस्टर हान आकर उसकी मदद करते हैं। जानबूझ के याया उनकी शर्ट पे अपने लिपस्टिक का निशान लगा देती है और उसके बाद मिस्टर हान को मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। मिस्टर हान कुछ समय बाद फिर अपनी वाइफ के पास पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे वी का ध्यान उस निशान पे चला जाता है और वो थोड़ी गुस्से में आ जाती है। उसके बाद देखते हैं वी यहाँ पे अपने कुछ सर्वेंट्स को कहती है याया को अपने सामने लाने के लिए और कहने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड को पटाने की कोशिश कर रही हो क्या, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। याया कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, बट उसे कह देती है वी मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट पे तुम्हारे लिपस्टिक का निशान देखा है और तुम कह रही हो कि मुझे गलतफहमी हुई है। वो यहाँ पे उसे पनिश करने के लिए मारने लगती है।
याया यहाँ पे मिस्टर यान को उसी तरफ आते हुए देख लेती है, इसलिए चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करने लगती है। मिस्टर यान वहाँ पर कुछ गेस्ट के साथ पहुँच जाते हैं और अपनी वाइफ को ये करने से रोकते हैं। तो यहाँ पे उनकी वाइफ भी उनसे कहने लगती है कि ये लिपस्टिक का निशान तुम्हारी शर्ट पे कहाँ से आया है, मुझे पता है, इसी लड़की के साथ थे ना तुम। यहाँ पर वो एक बड़ा सा सीन क्रिएट कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए होते हैं। उनमें से एक लेडी कहने लगती है वी से कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये निशान तो मेरी गलती की वजह से इन्हें लग गया था, क्योंकि कुछ समय पहले मैं इनसे टकरा गई थी और इसके लिए मैंने इनसे सॉरी भी कहा था। तुम इतनी सी बात पे इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? बाकी जो गेस्ट होते हैं वो उस लेडी से कहने लगते हैं, लगता है कि इनकी वाइफ को अपने हस्बैंड पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। हो सकता है कि इस लड़की की जगह कल आप यहाँ पे हो, तो इस वजह से वो सारे गेस्ट ही पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। याया यहाँ पे मुस्कुराने लगती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असल में वो लेडी भी मिस्टर हान से टकरा गई थी, जिसके बाद याया अपनी लिपस्टिक का कलर चेंज कर लेती है ताकि वो गलत फहमी पैदा कर सके वी के सामने। अब यहाँ पे मिस्टर हान से कहने लगती है वी, बेबी मुझे माफ कर दो, गलत फहमी हो गई, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे मिस्टर हान की तो इंसल्ट हो चुकी थी सभी के सामने, इसलिए वो वी से नाराज होते हैं और याया की मदद करने लगते हैं और वी से कहते हैं इनसे माफी मांगो क्योंकि तुमने गलत किया है। तो याया से माफी मांग लेती है यहाँ पे वी। मिस्टर हान कहते हैं कि आज मैं ऑफिस में ठहरने वाला हूँ, घर वापस नहीं आऊंगा। अब वो नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे वी परेशान होती है। तो याया अच्छा बनते हुए कहने लगती है वी से कि मुझे पता है कि वाइफ होने के बाद आप जेलस फील कर ही सकती हैं, इसलिए मैं आपके इस बिहेव को माइंड नहीं कर रही हूँ। आई थिंक आपके हस्बैंड नाराज हो गए हैं, आपको अपने हस्बैंड को मनाने के लिए उन्हें कोई सरप्राइज देना चाहिए। ऐसा कीजिए, आप कल उनके लिए डिनर रेडी कीजिए, वो ये सब कुछ देखेंगे तो आपसे फिर से खुश हो जाएंगे। यहाँ पे याया की बात मान लेती है वी भी। उसके नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, वी यहाँ पे कॉल करती है अपने हस्बैंड को और कहती है आज रात घर जल्दी आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया है। हान उसे हाँ में जवाब दे देता है, बट कुछ समय बाद ही हान के पास कॉल आ जाता है याया का और वो कहने लगती है कल आपकी वाइफ ने मुझे बहुत पीटा था, जिस वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो क्या आप मेरी मदद करने के लिए आ सकते हैं? ये बात सुन के हान तो खुश हो जाता है और तुरंत ही होटल चलने के लिए कहता है ड्राइवर से। उसके बाद देखते हैं जब मिस्टर हान होटल के उस रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर होती है याया, जो काफ़ी फैंसी अंदाज में उनका वेलकम करती है। और यहाँ पे मिस्टर हान तो लड्डू हुए जा रहे होते हैं ये सब कुछ देखकर, इसलिए वो तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। पर याया कहती है प्लीज़ आप मेरी बैग पे मेडिसिन लगा देना, मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई है, वो भी आपकी वाइफ की वजह से। तो मिस्टर हान उसकी मदद करने लगते हैं और इस बहाने वो उसके साथ रोमांस भी करने लगते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं रात के समय में वी वेट करती है बट उसका हस्बैंड नहीं आता है, वो उसे कॉल करने लगती है। यहाँ पर मिस्टर हान उसके फ़ोन को इग्नोर कर देते हैं और लगे रहते हैं याया के साथ। यहाँ पे देखते हैं वी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उनके असिस्टेंट से कहती है कि पता लगाओ कि तुम्हारे बॉस कहाँ पर है। असिस्टेंट यहाँ पे वी को बताता है कि बॉस कंपनी में नहीं है, वो वहाँ से कब के निकल चुके हैं। ये बात सुन के तो बहुत गुस्सा आ जाता है वी को और वो यहाँ पे गुस्से में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। तभी उसके पास एक होटल का रूम नंबर सेंड किया जाता है, जिसके बाद वो पहुंच जाती है वहां पर गुस्से में नाइफ लेकर, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता है। जिसके बाद वो उस असिस्टेंट के साथ घर आ जाती है और उसे इम्प्रेस करने लगती है, कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे बॉस कहां गए हैं और किसके साथ गए हैं, इसके बदले तुम मेरे साथ समय बिता सकते हो। और यहाँ पर वो उसके साथ लग जाती है रोमांस करने। इधर हम देखते हैं तभी मिस्टर हान को, जो कि घर वापस आ जाते हैं, तो एकदम से भी डर जाती है और उस असिस्टेंट को बालकनी में भेज देती है छिपने के लिए। हान जब वहाँ पे आता है तो उससे कहने लगती है वी कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ थे? बट हान जाने लगता है बालकनी की तरफ क्योंकि कुछ लोग बाहर से चिल्लाने लगते हैं, क्या ये आदमी मरना चाहता है जो यहाँ पर छिप रहा है? बाहर का शोर मिस्टर हान को सुनाई पड़ता है। बाहर के शोर को सुन के मिस्टर हान वहाँ पे आ जाते हैं और अपने उस असिस्टेंट को देख लेते हैं और उसके बाद चिल्लाने लगते हैं वी पर कि तुम मुझे इसके साथ मिलके चीट कर रही थी। वो यहाँ पे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं घर के बाहर ही याया को, जो कि कहती है जो तुम मेरे साथ करने की सोच रही थी वी, वो उल्टा तुम्हारे साथ ही हो गया है। तुम मुझे होटल में रंगे हाथों पकड़ने के लिए आ गई थी, लेकिन वहाँ पर तुम्हें हम नहीं मिले। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने ही असिस्टेंट के साथ ये सब कुछ करते हुए पकड़ी जाओगी। हम देखते हैं एक और फ्लैशबैक। असल में जब
खान के साथ याया होती है तो वो उससे कह देती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्या तुम मुझे पहले हॉस्पिटल लेकर चलोगे। इसलिए उस दिन उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है और वो दोनों जल्दी होटल रूम से निकल जाते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे ये सब कुछ देख कर याया बहुत खुशी हो रही होती है। उधर मिस्टर हान ने डिवोर्स पेपर दे दिए होते हैं वी को और वी वहाँ पर रो रही होती है। कुछ समय बाद मिस्टर हान के घर पहुंच जाती है मिलने के लिए याया और उनसे कहती है क्या आपने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है क्योंकि वो चीट कर रही थी ना। बट मिस्टर हान कहते हैं कि मैं कभी भी अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाओगी और मैं अपनी वाइफ वी को डिवोर्स दे दूंगा। यहाँ पे याया उनके इस बिहेव को देखकर थोड़ी हैरान होती है। तभी वहाँ पे वी आ जाती है और हंस कर कहने लगती है याया से कि तुम एक टीचर हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे हस्बैंड को फंसा लोगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और मेरा हस्बैंड इस लाइफ में तो कभी भी मुझे डिवोर्स नहीं देगा चाहे मैं कुछ भी कर लूँ क्योंकि मेरे फादर सबसे रिच पर्सन है इस कंट्री के। यहाँ पे वो उसे एक मैगजीन दिखाने लगती है और कहती है माफ़ करना पर तुम्हारी दाल यहाँ पे नहीं गल पाएगी और वो हैंग को लेकर अंदर जाने लगती है। तभी कहती है रुक कर ओ हाँ मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना तो भूल ही गई, असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ पर ये बात सुनकर याद आने लगता है अपना पास्ट फिर से याया को कि याया भी प्रेग्नेंट थी और बहुत खुश थी अपने बच्चे के आने की वजह से, लेकिन उस एक्सीडेंट के दौरान उसका बच्चा नहीं रहा था। जिसके बाद वो कहती है कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है। अब यहाँ पे याया नई प्लानिंग करती है कि अगर वो हान को नहीं पा सकती है तो क्या हुआ, अब वो पाने की कोशिश करेगी वी के फादर को। असल में यहाँ पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वी के फादर जो थे वो याया की फैमिली के उस समय ड्राइवर थे और याया की फैमिली बहुत रिच थी और उनकी नज़र हमेशा याया की मॉम पे रहा करती थी, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे याया की फैमिली गरीब हो गई। ना जाने कैसे कुछ समय बाद याया की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वी के फादर एक ही रात में बहुत रिच हो गए। ये बात यहाँ पे याया को कुछ हजम नहीं हो रही होती है। उसके बाद हम याया को देखते हैं जो कि अपना गेटअप पूरी तरीके से चेंज कर लेती है, जैसे कपड़े उस समय उसकी मॉम पहना करती थी यहाँ पे वो कुछ ऐसे कपड़े डाल लेती है ताकि वी के फादर को इम्प्रेस कर सके। उसके बाद देखते हैं वी के फादर को जो कि एक स्टोर में जाते हैं कुछ सामान देखने के लिए। तभी याया उनके सामने से गुजरती है तो वो उसे ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने उस लेडी को देखा। यहाँ पर जो शॉप का ओनर होता है वो कहने लगता है आप किस लेडी की बात कर रहे हैं, तो वी के फादर कहते हैं जिससे मैंने हमेशा प्यार किया था, मुझे ऐसा लगा कि वो शायद अभी यहीं थी। तभी हम देखते हैं याया वहाँ पे एक बैंगल को देखने के लिए आ जाती है तो वी के फादर उसे पीछे से देखने लगते हैं और उन्हें फिर से याद आने लगती है याया की मॉम की जिससे कि वो वन साइडेड लव करते थे। यहाँ पर याया उस बैंगल को खरीदने की बात करती है लेकिन वो शॉप का ओनर उसका रेट काफ़ी हाई बताता है, जिसके बाद याया उसे छोड़ के जाने लगती है लेकिन वी के फादर उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड जैसी दिखती हो, क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। बट याया उनसे कह देती है कि शायद मेरे दोस्त बनने के लिए आपकी एज कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर वी के फादर कहने लगते हैं रुको मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ और वो उस महंगे से बैंगल को खरीद लेते हैं और याया को पहनाने लगते हैं और कहते हैं माना कि मेरी एज ज़्यादा है लेकिन मेरे पास पैसा भी उतना ही है, क्या तुम अब मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी। याया तो कब से इस मौके का वेट कर रही थी तो वो झट से वी के फादर को हाँ कह देती है। वी के फादर खुश हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं वी को जो कि अपने हस्बैंड हान से कह रही होती है आज डैड डिनर पे आने वाले हैं तो उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। उसके बाद वो लोग डैड को रिसीव करने के लिए घर से बाहर आते हैं लेकिन वहाँ पे आ जाती है उनके सामने याया, तो मिस्टर हान तो उसे देखते ही रहते हैं लेकिन जैसे ही वी की नज़रें उस पर पड़ती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और वो यहाँ पे कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई हो, क्या चाहती हो कि गार्ड्स तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाले। तभी उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं किसकी हिम्मत है जो तुम्हारी मॉम को हाथ लगा सके, बेचारी वी के तो होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे उसके फादर इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये जल्दी तुम्हारी लिटिल मॉम बनने वाली है इसलिए इनसे अच्छे से बिहेव करो। उसके बाद उन्हें घर के अंदर चलने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पे जो वी होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है। याया उससे कह के जाती है तुमने सही कहा था कि मैं तुम्हारे हस्बैंड हान को इम्प्रेस नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैंने तुम्हारे फादर को इम्प्रेस कर दिया है, अब तुम मुझे कैसे रोकोगी। यहाँ पे वो एक तरीके से चैलेंज दे देती है वी को।
जिसके बाद वी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल होने लगती है। उसके बाद उन सभी को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वी सवाल करने लगती है याया से कि क्या सच में तुम मेरे फादर से प्यार करती हो या फिर उनके पैसों के चक्कर में उनके पीछे हो। याया यहाँ पे हंसते हुए कहने लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ मैं सच में तुम्हारे फादर से प्यार करती हूँ और उनसे कहीं ज़्यादा उनके पैसों से प्यार करती हूँ। तो एकदम से वी अपने डैड से कहती है, डैड आपने देखा ये क्या कह रही है, मैंने कहा है ना कि ये लड़की अच्छी नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके डैड उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं, मुझे इसका यही अंदाज पसंद है क्योंकि ये हमेशा मुझसे सच कहती है और उसके सामने ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। ये देखकर तो वी और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद वी पूछने लगती है, वैसे तुमने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया, कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में। याया कह देती है कि मेरे मॉम डैड पहले ही मारे जा चुके हैं, मैं एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। उसके बाद वो सवाल करने लगती है मिस्टर हान से और कहती है, मैंने तो सुना है कि वी के साथ ये आपकी सेकेंड मैरिज है, असल में वी की टीचर आपकी वाइफ थी जो प्रेग्नेंट थी और वो एक हादसे का शिकार हो गई और जिसके बाद मारी गई और फिर आप उनकी पूरी प्रॉपर्टी के हेड बन गए, उनकी कंपनी के सीईओ फिलहाल आप ही है ना। ये बात सुन के यहाँ पे वी और मिस्टर हान का चेहरा पीला पड़ जाता है। यहाँ पे आगे कहने लगती है, याया कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों ने ही मिल के उनकी जान ली हो उनकी प्रॉपर्टी के लिए, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आप दोनों कातिल है, हो सकता है कि एक दिन वो वापस आ जाए और आप लोगों से बदला लेने की कोशिश करे। ऐसा कहकर वो एकदम वी को डरा देती है। यहाँ पे वी तो बिल्कुल डर जाती है। यहाँ पे फिर कहने लगती है, याया ओ सॉरी मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, वी तुम तो सीरियस हो गई। बट वी की तो ये सारी बातें सुन के और उसके बिहेव को देखकर हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो तो डिनर छोड़ के भाग जाती है और मिस्टर हान का फेस भी पूरी तरीके से पीला पड़ जाता है। उसके बाद देखते हैं जब जा रही होती है याया तो मिस्टर हान उसे रोक लेते हैं। याया कहती है कि अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपकी होने वाली लिटिल मदर इन लॉ हूँ। लेकिन यहाँ पे हान उसे नहीं छोड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम ये बात अच्छे से जानती हो, मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी एक्स वाइफ को मारने के पीछे जिसका हाथ है उसके खिलाफ मेरे पास काफ़ी सारे एविडेंस हैं। अगर तुम वो सब कुछ जानना चाहती हो तो मैं चाहूँगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आज रात रूम में आओ। याया को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड क्यू से बात करती है। क्यू कहती है कि शायद तुम्हारा वहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा, बट याया कहती है मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा तभी सच्चाई मेरे सामने आ सकती है। देखते हैं मिस्टर हान को जो कि रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर याया होती है, तो वो उसे पीछे से हक करने लगते हैं और उसके साथ किस करने की कोशिश करते हैं, बट याया उन्हें रोकने लगती है और कहती है ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो मिस्टर हान कहते हैं कि वैसे भी मैं अपनी वाइफ से बोर आ चुका हूँ, उसी ने मेरी एक्स वाइफ को मारा था, बस मैं उसकी फादर की प्रॉपर्टी के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही उसके फादर मेरे रास्ते से हट जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और उसके बाद मैं और तुम मजे से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। याया यहाँ पे कहती है कि वो तो प्रेग्नेंट है ना तुम्हारे बेबी के साथ, लेकिन हान कह देता है कि वो बेबी मेरा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वी को जो कि अपने फादर को लेकर आ रही होती है और कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि वो लेडी अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, मैंने उसे एक रूम में दिखाया है किसी पर्सन के साथ। यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हान से कहा होता है वी ने ही कि तुम जानबूझ के अपने पास बुलाओ रूम में उस लड़की को ताकि डैड के सामने हम याया की सच्चाई ला सके। लेकिन जैसे ही रूम में पहुंचती है तो हान एकदम से यहाँ पे वी उन्हें साथ में देखकर कहने लगती है, डैड देखा ये लड़की बेकार है, मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने की कोशिश करी है। यहाँ पे हान भी यही कहता है कि डैड मैंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने ही मुझे अपने पास बुलाया था और उसके बारे में वो लोग गलत बातें कहते हैं। तो वी के फादर आगे बढ़ने लगते हैं याया की तरफ, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं और कहने लगते हैं मिस्टर हान को हैप्पी बर्थडे। वी यहाँ पे उन सभी को देखकर हैरान होती है और पूछती कि तुम लोगों को यहाँ पे किसने बुलाया है। तभी वी के फादर उनकी तरफ आते हैं और कहते हैं कि मैं बताता हूँ इन्हें यहाँ पे किसने बुलाया है। यहाँ पे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि याया वी के फादर से कहती है कि आज मिस्टर हान का बर्थडे है ना, तो हमें उन्हें सरप्राइज देना चाहिए, इसलिए मैं कुछ लोगों को पार्टी के लिए इन्वाइट करने वाली हूँ, वो लोग सीक्रेटली आ जाएंगे रूम में और फिर मैं पहले मिस्टर हान को उस रूम में बुला लूंगी उन्हें मैसेज करके। यहाँ पर ये सारी बातें बताई जाती है वी और हान को, तो वो लोग हैरान होते हैं। यहाँ पर वी के फादर गुस्से में हान पे हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि उसने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया लेकिन तुम उसी को गलत कह रहे हो। तभी यहाँ पे याया मिस्टर हान की वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि वी के फादर के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी और साथ में कहते हैं कि वी के पेट में जो बच्चा है वो उसका है ही नहीं। सभी लोग ये बातें सुन लेते हैं। पीछे जो गेस्ट खड़े रहते हैं वो कहने लगते हैं ये तो अजीब बात हो गई, इसने अपने टीचर के हस्बैंड को चीट करके उनसे छीन लिया था और ये किसी और के साथ भी उन्हें चीट करी है, इसका कैरेक्टर तो खराब है। ऐसा सभी लोग वी के बारे में कहने लगते हैं। तो यहाँ पे वी अपनी
इस सिचुएशन से निकलने के लिए पेट में दर्द होने का बहाना बनाती है और कहती है कि शायद मेरे बेबी को कुछ हो जाएगा, जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं याया को, जो कहती है तुम लोगों की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और हैप्पी बर्थडे मिस्टर हान, और ड्रिंक पीने लगती है। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे वी के फादर डांट रहे होते हैं हान को और कहते हैं कि जाकर मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखो, अगर उसे और उसके बेबी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और कैबिन से बाहर निकाल देते हैं। ऑफिस में याया भी आई हुई होती है, इसलिए वो मिस्टर हान को अपने पास बुलाती है और कहती है आपने प्रॉपर्टी और पैसों के लिए इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी आपको इतने इंसल्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है। आपकी लाइफ में एक अच्छी वाइफ थी जिसने आपको हर खुशियाँ दी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली, बिजनेस और अपने पैसे भी दे दिए ताकि आप आगे बढ़ सके, बट एंड में आपने क्या किया, उसका दिल तोड़ दिया और उसकी जान भी ले ली। यहाँ पे वो सारी पास्ट की बातों को याद करते हुए रोते हुए ये सारी बातें मिस्टर हान को कहती है। तो मिस्टर हान एकदम कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हें इतना डिटेल में ये सब कुछ कैसे पता है, आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम मेरी वाइफ हो। तो याया कह देती है क्या आपको नहीं पता है कि आपकी वाइफ मर चुकी है, मैं तो याया हूँ, अब आप उस मरे हुए इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आपने खुद मरने के लिए मजबूर कर दिया था। हान तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी वहाँ पे वी के फादर आ जाते हैं, जिसके बाद याया उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है। हान ये सब कुछ देखता है तो उसे जेलस फील होता है और वो उसके बाद वहाँ से आ जाता है। आगे देखते हैं याया को कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं और ये सब कुछ मिस्टर हान ने करवाया होता है। याया कहते कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हान कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम में अपनी एक्स वाइफ नजर आती है जिसे मैं एक बार खो चुका हूँ और दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। वो उसे कहने लगता है कि हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, देखो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वी की फैमिली से मैंने कुछ नहीं कमाया है, मैंने बहुत कुछ कमाया है, हम अपनी लाइफ बाहर जाकर नई तरीके से शुरू करेंगे। यहाँ पे याया उसे कहती है कि तुम बेकार की बातें कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ है, लेकिन हान कहता है कि मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता हूँ। मिस्टर हान याया से कहते हैं प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तभी यहाँ पे याया उनसे कहती है कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। तो मिस्टर हान कहते हैं तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। वो जाकर किचन में कुकिंग करने लगते हैं। तो याया ये सब कुछ दूर से देखती है और सोचती है क्या ये पर्सन चेंज हो सकता है, आज पहली बार मैं इसे कुकिंग करते हुए देख रही हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है जब मिस्टर हान याया के पास नूडल्स लेकर आते हैं तो याया उनसे कहती है तुमने सही कहा है, मैं भी तुमसे ही प्यार करती हूँ, इसलिए चलो हम दोनों मिलके यहाँ से कहीं दूर जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा हान और उसे हक कर लेता है। उसके बाद देखते हैं हान और याया जा रहे होते हैं, लेकिन तभी याया रुक जाती है। तो हान कहता है तुम क्यों रुक गई हो, चलो मेरे साथ, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं जिसे मिस्टर हान याया समझ रहे होते हैं वो वी होती है। वो अपना मास्क हटा देती है और हंसने लगती है, कहती है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे उस लड़की के साथ, लेकिन उस लड़की ने ही तुम्हें छोड़ दिया है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि याया ने कॉल किया होता है वी को और वो उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड आज कर रहा है मेरे साथ भागने की, अगर तुम चाहो तो उसे रोक सकती हो, और वो उसे उस जगह पर आने के लिए कह देती है। यहाँ पर मिस्टर हान तो ये सब कुछ जानकर हैरान होते हैं, लेकिन वी पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की लेकिन उसने तुम्हें ही छोड़ दिया और तुम्हारा पागल बना दिया। तो गुस्से में मिस्टर हान उसे धक्का दे देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वी का मिसकैरेज हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग पाओगे क्योंकि मैंने पुलिस को बुला दिया है कि तुमने हमारी कंपनी में फ्रॉड किया है, पुलिस वाले आते ही होंगे। तभी मिस्टर हान अपना बैग खोल के देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिस्टर हान किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय याया उनके बैग के सारे चीज़ों को बाहर निकाल लेती है और उसमें एक टिट फॉर टैट वाला एक पोस्टर रख देती है, जिसे देखकर मिस्टर हान की सिट्टी पिट्टी अब फिलहाल गुल हो रही होती है और पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और उन्हें अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। आगे देखते हैं कि याया के पास कॉल आता है कि मिस्टर हान उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो जेल में उनसे मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर मिस्टर हान कहते हैं मैं तुम्हें पहचान चुका हूं कि तुम मेरी वाइफ हो। तो यहाँ पे याया कहती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। उसके बाद मिस्टर हान उससे कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, शायद तुम मुझे कभी माफ़ ना कर पाओ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ। वो यहाँ पे याया से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सब कुछ वी के डैड ने किया है। वी के डैड तुम्हारे मॉम से बहुत प्यार करते थे और उन्हें तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने कार का ब्रेक फेल कर दिया था। ये सोचा था कि उस कार में तुम्हारे डैड बैठ के जाएंगे और वो
मारे जाएंगे। लेकिन उस दिन तुम्हारी मॉम भी उनके साथ चली गई, जिसके बाद तुम्हारे दोनों ही पेरेंट्स मर गए। लेकिन तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी को बाद में ट्रांसफर करके वीके फादर ने अपने नाम करवा लिया। ये सारी बातें सुन के याया यहाँ पे बहुत रोने लगती है। साथ में उसे हान ये भी बताता है कि कभी भी मुझे स्टार्टिंग में वी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वो हमारे घर आई थी तो उसने खुद मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू। वी को तो तुमसे बचपन से ही नफरत थी, इसलिए वो तुमसे तुम्हारी हर चीज को छीनना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे भी तुमसे छीन लिया। मेरे पास उसके डैड के खिलाफ प्रूफ है, मैंने उनका वॉइस रिकॉर्ड किया था जो फिलहाल वी के पास है। ये सारी बातें वो याया को बता देता है और कहता है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद याया वहां से बाहर आती है तो याद करती है कि बचपन में वो अपनी पुरानी चीजें वी को दिया करती थी, लेकिन वी हमेशा गुस्से में उन चीजों को फेंक देती थी। यहाँ पे याया समझ जाती है कि वी कितनी बुरी है। यहाँ पे उसके पास तभी वी के फादर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। तो याया डिसाइड कर लेती है कि वो अब वी के फादर को नहीं छोड़ेगी और अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वी को, जो कि अपने एक गार्ड से कहती है कि जरा इस याया के बारे में पता लगाओ, मुझे इसकी पहचान पे थोड़ा डाउट है। और वो फिर अपने ब्रदर को कॉल करती है और कहती है कि आप जल्दी कंट्री में वापस आ जाए, क्योंकि हमारे डैड एक बेकार सी लड़की के जाल में फंस चुके हैं। आगे देखते हैं याया को, जो कि होटल के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करती है, बट गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। तभी यहाँ पे एक पर्सन याया से टकरा जाता है, जिस वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन लियान यहाँ पर आकर उसे संभाल लेता है। वो अंदर जाने लगता है तो वी उसे अपना हस्बैंड कहने लगती है गार्ड के सामने, और उसके साथ ही पार्टी में अंदर चली जाती है। लियान तो उसे काफ़ी गौर से देख रहा होता है। पार्टी में अंदर जाने के बाद याया उसे छोड़ देती है और वहाँ से कहीं और चली जाती है। उसके बाद देखते हैं वहाँ पे आ जाती है वी और कहने लगती है, ब्रदर लियान आपने आने में काफ़ी समय लगा दिया, मैं आपको बता दूँ आज हमारे फादर उस लिटिल गर्ल को प्रपोज करने वाले हैं मैरिज के लिए। वो सच में बेकार लड़की है, आपको मेरे साथ चलना चाहिए उसे देखने के लिए। तो मिस्टर लियान भी कह देते हैं चलो देखते हैं कि कौन हमारी स्टेप मॉम बनने की कोशिश कर रही है। उसके बाद स्टेज पर दिखाया जाता है वी के फादर को, जो कि मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं याया को। तो याया हाँ कह देती है और उसके बाद वो उन्हें अपने बच्चों से मिलाने लगते हैं, जहाँ पर लियान को वो अपना बेटा कहते हैं। वी के फादर याया से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूँ, और उसके बाद वो लियान को अपना बेटा कहते हैं। जैसे ही याया लियान को देखती है तो काफ़ी नर्वस फील करने लगती है। लियान से उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हें आने में देर कैसे हो गई, तो लियान कहता है कुछ नहीं, बाहर मुझे एक लड़की मिल गई थी जो गार्ड्स के सामने मुझे अपना हस्बैंड कह रही थी। ये बात सुन के उसके डैड पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, उसके बारे में मुझे बताओ। यहाँ पे याया काफ़ी ज़्यादा सहम सी जाती है, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लियान अपने डैड से कह देते हैं कि डैड मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि ऐसी चालाक लड़कियों से दूर रहना, ये सिर्फ पैसों के पीछे होती है। याया जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वहाँ पे लियान पहले से ही होता है, जो उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कुछ समय पहले तो तुम मेरी वाइफ बन रही थी, अब तुम मेरे डैड की वाइफ बनना चाहती हो। याया उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो क्योंकि अब मैं तुम्हारी मॉम बनने वाली हूँ, लेकिन मिस्टर लियान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मॉम बन पाओगी क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो उसे छेड़ने लगता है। तभी वहाँ पे वी के फादर आ जाते हैं और आवाज़ देने लगते हैं याया को, तो याया मिस्टर लियान से दूर हो जाती है और एकदम से उनके सामने आ जाती है। लेकिन वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई और पर्सन था। वो उस पर डाउट करते हैं और पूरे वॉशरूम में चेक करने लगते हैं। याया को डर होता है कि कहीं वो अपने बेटे लियान को ही यहाँ पे ना देख ले, लेकिन वॉशरूम में उन्हें कोई नजर नहीं आता है, तो याया उनसे नाराज होकर जाने लगती है। तो उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से तुम पे कभी भी डाउट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे उन्हें हग करने लगती है याया। पीछे से मिस्टर लियान आकर उसे किस कर लेते हैं, जिसके बाद याया और ज़्यादा नर्वस फील करती है और वहाँ से लेकर चली जाती है उन्हें। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लियान हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे डैड की वाइफ कैसे बनती हो। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और कहने लगता है लियान से, मास्टर वैंग फैमिली की डॉटर सिम का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनकी डेथ हुई है या फिर नहीं ये बात अभी कंफर्म नहीं है। लियान कहता है कि तुम लोग उस लड़की को ढूंढ के निकालो, वो मर नहीं सकती है। उसके बाद देखते हैं लियान को, जो कि सिम का फोटो देख रहा होता है और याद करता है कि बचपन में कुछ लोग जब उसे तंग कर रहे थे तो सिम ने आकर उसकी कैसे हेल्प की थी। सिम के शोल्डर पर एक निशान भी होता है।
लियान यहाँ पे उस फोटो को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। उसके बाद दिखाया जाता है याया को जो कि वेडिंग ड्रेस में रहती है, लेकिन वहाँ पर वी के फादर की जगह लियान आ जाता है और कहता है मेरे डैड बिजी है इसलिए मैरिज करने नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनकी जगह मैं आ गया हूँ। वो उसे जबरदस्ती ले जाता है और उसके साथ मैरिज कर लेता है उसे रिंग पहना कर, और वो यहाँ पे उसे जबरदस्ती किस भी करता है। तो याया कहती है तुम क्या करे हो, तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बट लियान कहता है कि फिलहाल फादर यहाँ पे है ही नहीं, तो उन्हें ये सब कुछ पता कैसे चलेगा। वहाँ से याया भागकर घर आ जाती है। रात के समय में देखते हैं याया को जो कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है। वहाँ पे आ जाता है लियान और कहता है तुम क्या कर रही हो, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। ऐसा कहकर वो उसके करीब आने लगता है। वहाँ से जाने की कोशिश करती है याया, तो लियान कहता है चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी सच्चाई डैड के सामने आ जाएंगी, तो वो तुम्हें खुद घर से बाहर उठाकर फेंक देंगे। यहाँ पर ये सुन के याया उसके करीब आती है और कहती है ऐसा है तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि तुम तो मुझसे मैरिज करने के लिए मरे जा रहे हो ना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लियान के डैड आ जाते हैं, तो उनके पास भागकर जाती है याया और कहती है ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, प्लीज़ आप मुझे बचाए। यहाँ पे लियान कहता है डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन को देखकर लियान के डैड उसे डांटते हैं और पनिश कर देते हैं पूरी रात नीज पे बैठने के लिए। देखते हैं मिस्टर लियान ऐसे ही नीज पे बैठे रहते हैं, दूर से उन्हें देख कर खुश हो रही होती है याया। और यहाँ पे वी उसे देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके ब्रदर को उसकी वजह से पनिश किया जा रहा है। वी यहाँ पे अपने गार्ड से कहती है कि जल्दी से मुझे याया के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाकर बताओ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिर से लियान पकड़ लेता है याया को और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। याया कहती है क्या तुम फिर से अपने नीज पे बैठना चाहते हो पूरी रात। लियान उसे कहता है कि जो इल्जाम तुमने कल मुझ पे लगाए थे बस मैं तो उन्हें सच कर रहा हूं। और हाँ तुम्हें बता दो इस बार नीज पे मैं नहीं बल्कि तुम बैठने वाली हो। वो उसे वीडियो दिखाता है स्टडी रूम की जो सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी थी और कहता है फादर को ये वीडियो मैंने सेंड कर दिया है, तुम्हारा क्या होगा तुम खुद देख लेना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। यहाँ पे परेशान हो जाती है याया। तभी याया के पास उसकी फ्रेंड क्यू का कॉल आता है और वो उसे बताती है वी के गार्ड्स तुम्हारे बारे में सर्च कर रहे हैं, अब क्या करूं। यहाँ पर वो उसे कहती है कि वैसे भी यहाँ पे मेरी सच्चाई सबको पता चलने ही वाली है, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करना क्यों। वी के फादर ने वो वीडियो देख लिया होता है इसलिए वो अपने गार्ड से कहते हैं कि उस लड़की को मेरे सामने लाओ। यहाँ पर याया को एक फोटो मिलता है जो कि लियान के पॉकेट से गिर गया था। यहाँ पे उस फोटो को देखकर याया कहती है कि ये तो मेरी बचपन का फोटो है, आखिरकार ये इसके पास क्या कर रहा है। यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड क्यू से कह देती है कि वी को तुम मेरी सच्चाई के बारे में पता चलने दो। तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और जबरदस्ती याया को ले जाने लगते हैं। वो लोग याया को वी के फादर के सामने ले जाते हैं, तो वी के फादर उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया था मुझे बताओ, लेकिन याया अपना मुंह नहीं खोलती है। तो वी के फादर कहते हैं गार्ड से कि जब तक ये अपना मुंह ना खोले तब तक इसे मारते रहो। गार्ड से यहाँ पे याया को काफ़ी मारते हैं। बीच में लियान उन्हें रोक देता है और पूछता है याया से कि तुम सच क्यों नहीं बता देती हो, कि तुमने हमारी फैमिली में घुसने के लिए ये सब कुछ क्यों किया। तभी वो उसके शोल्डर पे वो निशान भी देख लेता है जिसके बाद उसे बचपन की उस लड़की की याद आती है। वहाँ पर आ जाती है तभी वी और कहती है डैड मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है, ये मिस्टर वैंग की डॉटर है सिम, जो कि अपना फेस का सर्जरी करवा के फिर से हमारी लाइफ में वापस आई है। वो अपने डैड से कहते हैं कि हमें इसे मारना होगा क्योंकि ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सच्चाई पता चलती है मिस्टर लियान को, तो वो अपने फादर और अपनी सिस्टर को रोक देता है और कहता है इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। उसके फादर कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, ये लड़की हमारे लिए खतरा है। लेकिन लियान किसी की नहीं सुनता है और वो अपने रूम में लेकर आने लगता है मिस याया को। याया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो जाती है, तो वो डॉक्टर को बुलवाता है उसे चेक करवाने के लिए। याया की आंखें खुलती है तो वो एकदम से डर जाती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और मैं कहाँ हूँ। वो थोड़ा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। ये सब कुछ देख कर लियान परेशान होता है और डॉक्टर से पूछता है कि इसे क्या हुआ है, तो डॉक्टर कहते हैं शायद इन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है, इस वजह से ये शॉक में जा चुकी है, शायद इसीलिए इनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। यहाँ पे ये सुन के मिस्टर लियान ध्यान रखने लगते हैं याया का और कहते हैं डरो मत मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो याया भी उनके करीब आ जाती है। तभी वहाँ पे वी और उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई है, ये लड़की ड्रामा करी है, इसे यहाँ से बाहर भेज दो। लेकिन यहाँ पे याया डरने लगती है। लियान कहता है डैड प्लीज़ आप यहाँ से जाए, मैं आप लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता हूँ और मेरे होते हुए इसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। वी
भी कहती है कि ब्रदर आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हैं, ये एक नंबर की झूठी लड़की है। तो लियान उसे डांट देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो पूरा समय रहता है याया के पास। यहाँ पे वो उसका ध्यान रखते हुए वहीं पे सो जाता है। तो याया अपनी आँखें खोलती है और कहती है माफ़ करना लियान, मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे डैड से अपनी पेरेंट्स की मौत का बदला लूँगी, इसलिए मुझे अपनी मेमोरी लॉस करने का ड्रामा करना पड़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट दिखाया जाता है याया के पास एक लड़की आती है और उसे डराने लगती है ये कहकर कि तुम मुझसे मेरे ब्रदर लियान को नहीं छीन सकती हो। वहाँ पे साथ में वीबी होती है। यहाँ पे वो उसे नाइफ दिखाती है और कहती है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे पूरे फेस पे बहुत सारे कट्स मार दूँ। तो यहाँ पे याया उससे बिल्कुल नहीं डरती है और कहती है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मिस्टर लियान फिर भी मुझसे प्यार करेंगे, अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो तुम्हें मेरी जान लेनी चाहिए। और वो उसके हाथ से पकड़ के खुद को हर्ट कर लेती है और चिल्लाने लगती है। वहाँ पे मिस्टर लियान आ जाते हैं। लियान जब घायल देखता है याया को तो वो चिल्लाने लगता है चेरी पर और कहता है अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चेरी कहती है कि आप इसकी परवाह क्यों कर रहे हैं जबकि मैं आपकी फियांसे हूँ, लेकिन लियान उसे इग्नोर कर देता है जिससे कि चेरी को बुरा लगता है। लियान रूम में ले आता है याया को और उसका ध्यान रखता है, कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो उसके लिए फूड लाता है और अपने हाथों से खिलाने लगता है। याया यहाँ पर उसे किस कर देती है और उसके बाद कहती है आप कौन सा हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं क्योंकि आपकी मैरिज तो उस चेरी से होने वाली है ना। यहाँ पर उससे लियान कहता है ऐसा नहीं है, मैं उससे मैरिज नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। याया ये बात सुन के कहती है कि मैं भी आपको चाहती हूँ और उन्हें किस करने लगती है। उसके बाद देखते हैं वीके फादर को। गार्ड उन्हें बताता है कि मास्टर हमेशा उस लड़की के साथ ही रहते हैं, ये तो ठीक नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे वीका फादर कहता है उस लड़की को वो मेडिसिन पिला दो और उसके रूम में दो लड़कों को आज भेज देना, उसके बाद उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक सर्वेंट याया के लिए मेडिसिन लेकर जाती है। याया जब उसे पी लेती है तो उसके बाद उसे हॉट फील होने लगता है और तभी उसके रूम में दो पर्सन घुस आते हैं जो कि उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। नीचे दिखाया जाता है कि चेरी के डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने कल मेरी बेटी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया है, अगर ऐसा होगा तो हम इस रिश्ते को तोड़ देंगे। बट चेरी कहती है डैड ऐसा ना करें क्योंकि मैं लियान ब्रदर को बहुत चाहती हूँ, इसमें लियान ब्रदर की कोई गलती नहीं है, वो लड़की ही बेकार है। यहाँ पर कहने लगते हैं वी के फादर कि मैं आपको दिखाता हूँ कि सच में वो लड़की बेकार है, आप हमारे साथ चलिए उसके रूम में। वो सभी जब रूम में पहुँचते हैं तो खुद ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे याया के साथ तो मिस्टर लियान होता है। यहाँ पे वी कहने लगती है ब्रदर आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। तभी लियान कहता है क्या तुम लोग सोच रहे थे कि इसके साथ मेरी जगह इन लोगों को होना चाहिए था। मिस्टर लियान उन लोगों को पेश कर देते हैं उनके सामने, तो वो लोग कह देते हैं कि आपके फादर ने हमें यहाँ पर आकर ये सब कुछ करने के लिए कहा था, हमारी कोई गलती नहीं है। लियान यहाँ पे अपने फादर पे गुस्सा करता है और कहता है आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। यहाँ पे लियान के फादर कहते हैं कि तुम हमारी बात मानो और इस लड़की को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी मैरिज चेरी से होने वाली है। बट लियान साफ मना कर देता है और कहता है अगर मेरी मैरिज होगी तो वो सिर्फ याया से होगी। अब वो याया को हग करने लगता है। यहाँ पे याया वी की तरफ देखकर मुस्कुराती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि याया को पहले ही पता चल गया था कि उस मेडिसिन में कुछ मिलाया गया है, तब भी वो उसे जानबूझ के पीती है और उसके बाद लियान को कॉल करके वहाँ पे आने के लिए कह देती है। तो यहाँ पर जब वो दो पर्सन याया के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं तो लियान आकर उसे बचा लेता है, लेकिन याया मेडिसिन के नशे में होती है इसलिए लियान को अपने से दूर नहीं जाने देती है और उसे किस करने लगती है। यहाँ पर कहने लगती है चेरी आकर लियान से कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप इसके साथ नहीं रह सकते हैं। बट लियान कह देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ चेरी, मैंने सिर्फ बचपन से इससे ही प्यार किया है, अब ये मुझे मिल चुकी है तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार करने लगता है याया से। तो याया सोचती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स का फायदा उठा रही हूँ, अगर कुछ समय पहले तुमने मेरे साथ सब कुछ किया होता तो शायद मुझे गिल्टी फील ना होता, लेकिन मुझे गिल्टी फील हो रहा है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब याया मिस्टर लियान को किस करने लगती है और उन्हें अपने पास रोकती है, तो लियान
ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारी इस कंडीशन का फायदा नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और चाहूँगा कि तुम होशो हवास में मेरे साथ ये सब कुछ करो। और वो उस समय रुक जाता है। इसलिए अब लियान के लिए याया को थोड़ा बुरा फील हो रहा होता है। यहाँ पर ये सब कुछ देख कर चेरी के डैड कह देते हैं कि अब हम इस रिश्ते को तोड़ते हैं। अब वो चेरी को वहाँ से ले जाते हैं। ये सब कुछ लियान के फादर को बर्दाश्त नहीं होता है और उन्हें यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है। ये सब कुछ देखकर याया बहुत खुश होती है। आगे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है लियान के फादर को, जिन्हें पैरालाइज की प्रॉब्लम भी हो गई थी। वहाँ पर आती है याया और कहती है, आज तुम्हारी इस कंडीशन को देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा था ना, अब तुम पूरा समय ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे और देखना मैं कैसे तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करती हूँ। यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो, तो खुद ही बेड से नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर यहाँ पे याया बहुत खुश होती है। याया जब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो एक पर्सन आकर उस पर अटैक करने लगता है, बट बीच में मिस्टर लियान आ जाते हैं जिस वजह से वो घायल हो जाते हैं। तो याया ये सब कुछ देखकर काफ़ी रोने लगती है। आगे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है मिस्टर लियान को होश आता है तो उनसे याया कहती है, आपको मेरी जान बचाने के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लियान कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं देख सकता हूँ, लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ चेरी ने करवाया है ना, तो मैं उसे देख लूँगा, तुम चिंता मत करना। ये सारी बातें सुन के यहाँ पे इमोशनल हो जाती है याया भी कि मिस्टर लियान उसे कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पे याया उन्हें किस करने लगती है। उसके बाद याया के पास उसकी फ्रेंड क्यू का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जिस एविडेंस को हम ढूंढ रहे हैं वो वी के पास है और हमारे गार्ड्स ने देखा है, वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रही है। उसके बाद देखते हैं याया को जो कि वी के पास पहुंच जाती है और उससे वो रिकॉर्डर वाला पेन छीन लेती है और कहती है, मैं तुम लोगों को अब नहीं छोड़ूंगी। तो उससे कहने लगती है, वी मैं जानती हूँ कि तुम इसी के लिए हमारी फैमिली में आई थी और तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो ना, तुम कभी भी मेरे ब्रदर से प्यार नहीं करती थी। यहाँ पर फिर कन्फेस कर लेती है सच्चाई को याया भी और कहती है, तुमने सही कहा, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया, सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया है और ना ही मेरा कोई मेमोरी लॉस हुआ है। मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी क्योंकि तुम लोगों ने मेरे मॉम डैड की जान ली थी। ये सारी बातें मिस्टर लियान सुन लेते हैं तो उनके पास वी आगे कहती है, ब्रदर आपने देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की एक नंबर की झूठी है और आप इससे प्यार कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर लियान काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। याया वहाँ से जाने लगती है तो लियान उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने ये सब कुछ रिवेंज लेने के लिए किया था, तुमने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। यहाँ पे उनसे कह देती है याया, हाँ मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया है, मैं तो सिर्फ आपकी फैमिली से रिवेंज लेने के लिए आपका फ़ायदा उठा रही थी। यहाँ पर वो ये सब कुछ कहकर जाने लगती है। लियान पूरी तरीके से टूट जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। लेकिन हम देखते हैं याया को, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे लियान से प्यार सच में हुआ था, लेकिन वो उस फैमिली से बिलोंग करता है जिसने उसकी फैमिली की जान ली थी, इसलिए वो कभी भी लियान और उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इसलिए फिलहाल वो उनसे झूठी कह देती है कि वो उनसे प्यार नहीं करती है। उसके बाद घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर क्यू कहती है याया से कि इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, शायद जानबूझ के हमें अपने प्लान में फंसाया है वी ने, अब हम क्या करें। तभी यहाँ पे याया के पास कॉल आता है डॉक्टर किम का और वो उससे कहते हैं तुम्हारी सिस्टर मिल चुकी है, जिसके बाद याया हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ पर उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब होती है। डॉक्टर किम उससे कहते हैं, जब तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो उस दिन तुम्हारी सिस्टर भी साथ थी, लेकिन वो पानी में बह गई, जिसके बाद एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया लेकिन उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उन लोगों ने तो उसे बार में सील कर दिया था जहाँ से उसे पुलिस ने बचाया है, लेकिन उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है। याया यहाँ पे अपनी सिस्टर को ऐसे देखती है तो काफी इमोशनल हो जाती है। तो मिस्टर किम उसे हग करने लगते हैं। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है लियान। लियान के साथ वहाँ पे चेरी भी होती है और कहने लगती है कि जल्दी मैं ब्रदर लियान से मैरिज करने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे लियान की नजरें याया से नहीं हट रही होती है। यहाँ पे लियान कहने लगता है कि ये कौन है। तो मिस्टर किम कह देते हैं कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जब वहाँ से जा रही होती है याया तो मिस्टर लियान उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती फिर से किस करने लगते हैं, बट उन्हें रोक देती है याया और कहती है कि आपको एक बार भी मेरी बात समझ में नहीं आती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं किम से प्यार करती हूँ। ये बातें यहाँ पे मिस्टर लियान को बर्दाश्त नहीं होती है तो वो अपने हाथ को गुस्से में मिरर में मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं याया से कि तुम इस चीज़ के लिए पछताओगी। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें चेरी मिल जाती है और कहती है, आपके हाथ में चोट कैसे लगी।
मिस्टर लियान चेरी से कहते हैं कि तुम्हें मुझसे मैरिज करनी है ना, तो चलो हम दोनों मैरिज करते हैं। ये बात याया सुनती है तो उसे बुरा लगता है। याया जब अपनी सिस्टर के पास होती है तो उसके पास कॉल आता है वी का, और वो उससे कहती है याया मेरे फादर मर चुके हैं, और हंसने लगती है पागलों की तरह। उसके बाद दिखाया जाता है उनका फ्यूनरल होता है, तो याया भी घर पे पहुंच जाती है। व्यू उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तो याया उससे कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, आखिरकार मैंने तुम्हारे डैड से मैरिज करने की बात कही थी ना, और मैं तुम्हें बता दूँ कि जल्दी तुम्हारा ब्रदर आने वाला है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर लियान आ जाते हैं, तो उनसे वी कहती है देखिए ब्रदर ये कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है और हमारा लिटिल ब्रदर आने वाला है। यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वी ने रियल रिकॉर्डर को वहाँ से हटाकर एक फेक रिकॉर्डर रख दिया था। उसके बाद वो छिपके देखती है कि वहाँ पे डॉक्टर किम आए थे और उस फेक रिकॉर्डर को ले गए थे। यहाँ पर हंसने लगती है वी और कहती है याया अब भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा है इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी वहाँ पे एक और पर्सन आता है जिसका फेस कवर होता है और वो कहता है रियल वाला रिकॉर्डर मेरे पास है। वो पर्सन यहाँ पे इस रिकॉर्डर को देने लगता है याया को, तो याया कहती है तुम तो वही पर्सन हो ना जिसने मेरी आग से जान बचाई थी, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ। वो उसका मास्क हटाती है तो वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि लियान होता है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। लियान से कहने लगती है याया कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। लियान कहता है कि तुम हमेशा इसी रिकॉर्डर को ढूंढ रही थी ना, तो मैं भी सच जानना चाहता हूँ इसलिए बस मैंने तुम्हारी मदद की है। यहाँ पे वी कहने लगती है ब्रदर आप इसे ये रिकॉर्डर ना दे वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट लियान उस रिकॉर्डर को दे देता है याया को। याया कहती है शायद तुम नहीं जानते हो कि इस रिकॉर्डर में कौन सी सच्चाई है, ये रिकॉर्डर मैं तुम्हें खुद वापस देती हूँ और चाहती हूँ कि तुम इसे सुनो और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें किसका साथ देना चाहिए, अपनी सिस्टर का या फिर मेरा। मैं तुम्हें आज रात तुम्हारे घर के बाहर मिलूंगी, ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। रात के समय में याया और क्यू को देखते हैं जो कि मिस्टर लियान के घर के बाहर रहते हैं। क्यू यहाँ पे कहती है हम लोग 3 घंटे से उनका वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अब वापस आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर लियान को जो कि उस रिकॉर्डर को प्ले करते हैं जिसमें उनके फादर की वॉइस होती है जो कह रहे होते हैं कि मैंने वैंग फैमिली को कैसे बर्बाद किया था। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद लियान उस रिकॉर्डर को डस्टबिन में डाल देता है। क्यू यहाँ पे याया से कहती है वेट करने का कोई फायदा नहीं है, वो पक्का अपनी सिस्टर को ही बचाने वाले हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो पकड़ के ले जाने लगती है वी को, तो क्यों कहती है फाइनली हमें इंसाफ मिल ही गया याया अब तुम्हें खुश होना चाहिए। याया वहाँ पे वेट कर रही होती है फिर भी मिस्टर लियान का, वो सोचती है कि शायद मिस्टर लियान आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे उनका गार्ड आता है और कहता है बॉस नहीं आने वाले हैं, बस उन्होंने आपके लिए ये लेटर दिया है। यहाँ पर उस लेटर को पढ़ने लगती है याया, तो उसमें लिखा होता है मिस्टर लियान ने कि मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया है लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैंने बचपन से तुमसे प्यार किया है वो भी सच्चे दिल से, बट शायद तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी इसलिए अब मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। आज मैं फ्लाइट लेकर तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा लेकिन फिर भी हमेशा मैं तुम्ही को प्यार करूंगा। ये सब कुछ रेड करने के बाद याया काफी ज्यादा रोने लगती है। उधर देखते हैं एयरपोर्ट पे जहाँ पे मिस्टर लियान जा रहे होते हैं, भागते हुए वहाँ पे याया आकर उन्हें रोकती है, तो मिस्टर लियान उसे हग करने के लिए भागते हुए आते हैं उसकी तरफ, लेकिन याया तो उन्हें चाटा मारती है और फिर काफ़ी मारने लगती है और रोते हुए कहती है कि आप मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, माना कि मैं आपकी पूरी फैमिली से नफरत करती हूँ लेकिन फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ, ऐसा कहकर वो मिस्टर लियान को हग कर लेती है। यहाँ पे मिस्टर लियान फिर उसे किस करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पे प्यार करते हैं और फिर मिस्टर लियान उसे रिंग पहना देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि वेडिंग ड्रेस में होती है याया और उसकी सिस्टर भी उसके पास रहती है और कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि जल्दी तुम मैरिज करने वाली हो। यहाँ पे याया को भी ऐसा ही महसूस होता है कि शायद अब उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है और वो मिस्टर लियान के साथ हैप्पी अपनी लाइफ जी पाएगी। याया यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ फोटोज़ क्लिक करवा रही होती है, तभी उसे अपनी सिस्टर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग आकर उसे रूम में ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें वी का एक नोट मिलता है जिसके बाद देखते हैं याया की वेडिंग स्टार्ट होती है। मिस्टर लियान काफ़ी खुश होते हैं लेकिन याया उनके पास आकर उन पे नाइफ से अटैक कर देती है और कहती है मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती थी, बस मैंने तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ प्लानिंग की थी। वो उसे वहाँ पर अकेला छोड़ के चली जाती है जिससे कि मिस्टर लियान पूरी तरीके से टूट जाते हैं।
उसके पूरे 4 साल बाद दिखाया जाता है। मिस्टर लियान कार से बाहर आते हैं। उनका गार्ड कहता है बॉस उस लेडी के बारे में पता चल गया है। मिस्टर लियान एक कैफे में जाते हैं जहाँ पे याया होती है। वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं फाइनली 4 साल बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। मैं जिंदा हूँ, मुझे देखकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बट याया कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम याया नहीं है। वो उनसे दूर हो जाती है। वहाँ पे तभी उस कैफे का ऑनर आ जाता है और कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो मेरी फियांसे है और हम दोनों जल्दी मैरिज करने वाले हैं। ये सुनके मिस्टर लियान वहां से फिर चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि मिस्टर लियान पूरा समय नजर रखते हैं याया पे। वो उसे फॉलो करते रहते हैं, याया को वो रात के समय भी फॉलो करते हैं, तो याया छिप जाती है। तभी उसके पास उसके नए फियांसी का कॉल आता है और वो कहता है कि कल हम लोग वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चलेंगे। आगे देखते हैं याया को जो कि वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लियान आकर उसे पकड़ लेते हैं। याया कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? उसका फियांसी उसे आवाज़ देता है कि कैफे में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे याया कहती है कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? लियान कहता है कि पहले तुम अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करो, कितनी बार तुम अपने नाम चेंज करोगी? मैं जानता हूँ कि तुम याया ही हो, क्या कहूँ तुम्हें, याया या फिर सिम या फिर लिली। लेकिन फिर भी याया उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती है और कहती है कि मैं याया नहीं हूँ। तो मिस्टर लियान फिर उसे उसकी सिस्टर की वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं तो क्या मैं इस लड़की को जान से मार दूँ? ये सुन के याया डर जाती है और कहती है ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ही याया हूँ। यहाँ पे लियान उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ये वाली वेडिंग ड्रेस पहनो जो कि तुमने 4 साल पहले पहनी थी जब हमारी वेडिंग हो रही थी। वो यहाँ पे उसकी वेडिंग ड्रेस चेंज करवा देते हैं और उसे ज़बरदस्ती उठाकर घर ले आते हैं। याया कहती है तुम क्या करे हो? लियान कहता है वेडिंग तो हमारी हो चुकी है ना, वो भी 4 साल पहले ही, तो क्यों ना अब फर्स्ट नाइट मना ली जाए। ऐसा कहकर वो उसे फिर से छेड़ने लगते हैं। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि मेरा रूम में वेट करना, बस मैं शावर लेके आता हूँ। याया को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर से फोन पे बात करती है। दिखाया जाता है कि उसकी सिस्टर के फेस पे काफी ज्यादा चोटें लगी होती है। यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 4 साल पहला, जब वो नोट याया को मिला था तो उसमें वी ने लिखा था कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को किडनैप कर लिया है, तुम मेरे ब्रदर से मैरिज नहीं करोगी और उस पर अटैक करोगी और फिर उसे अकेला छोड़ के चली जाओगी, वरना मैं तुम्हारी सिस्टर को मार दूंगी। याया को उस समय मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा था क्योंकि उसकी सिस्टर वी के पास थी, लेकिन फिर भी वी ने उसकी सिस्टर को काफी घायल किया था। यहाँ पे याया अपनी सिस्टर की इस कंडीशन को देखकर काफी रोती है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे चुप कराती है। लेकिन याया यहाँ पे अपने आप को दोष देती है कि शायद मैंने लियान को उस समय हाँ ना कहा होता तो ये सब कुछ मेरी सिस्टर के साथ ना होता। ये सब कुछ सोचकर वो रो रही होती है। तभी लियान रूम में आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें इतनी नफरत है मेरे करीब रहने से जो तुम इतना रो रही हो? अब वो यहाँ पे उसे फोर्स करने लगता है, लेकिन यहाँ पे याया बहुत रोती है तो लियान रुक जाता है और कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जब याया रूम से बाहर आती है तो वहां पर एक और नई लड़की होती है मिमी, जो कि कहने लगती है लियान से कि बेबी ये कौन है, क्या ये तुम्हारी कोई नई सर्वेंट है? उसे देखकर न जाने क्यों याया को ऐसा लगता है कि ये मिमी नहीं बल्कि वी है, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को मिमी बताती है और कहती है मैं मिस्टर लियान की फियांसे हूँ जो कि उनसे जल्दी मैरिज करने वाली हूँ। वो यहाँ पे याया को ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए कहती है। याया जब यहाँ पे कॉफ़ी सर्व करने लगती है लियान को तो वो गलती से उसके कपड़ों पे गिर जाती है। याया साफ करने लगती है, ये देखकर मिमी उसे दूर कर देती है और खुद लियान की हेल्प करती है। बट लियान मिमी को अपने आप को टच नहीं करने देता है और कहता है मैं रूम में जाकर चेंज कर लेता हूँ। रूम में देखते हैं जहाँ पे याया आती है लियान के पास और कहती है क्या सच में तुम इस लड़की मिमी से मैरिज करने वाले हो? यहाँ पर ये बात सुन के उससे कहने लगता है लियान क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? कह दो अगर तुम्हें जेलस फील हो रहा है तो। याया कहते हैं कि मुझे जेलस फील नहीं हो रहा है। लियान कहता है तुम्हारे फेस से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। वो उसे पकड़ के फिर से किस कर लेता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मिमी बार में पार्टी करने जाती है और वो अपने साथ ले आती है याया को भी और एक पर्सन के साथ उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है और कहती है कि आज तुम इस पर्सन को कंपनी दो। यहाँ पे लियान भी रोकता नहीं है तो वो पर्सन अपने साथ जबरदस्ती याया को रूम में ले आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं मिस्टर लियान से बर्दाश्त नहीं होता है ये सब कुछ और वो उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उस पर्सन को काफ़ी मार के भगा देते हैं और फिर गुस्से में कहते हैं याया से क्या ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रही हो ताकि मैं तुमसे कहूं कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं और किसी और को तुम्हारे करीब नहीं देख सकता हूं। यहां पे काफी ध्यान से उन्हें देखने लगती है याया।
तभी वहाँ पे मीमी आ जाती है। तो लियान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ याया, मैं मीमी से प्यार करता हूँ और उससे मैरिज करने वाला हूँ, और उसे हक कर लेता है। ये सब कुछ देखकर याया को बुरा लगता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे फिर से लियान जाता है तो मीमी उसे रोकती है, बट लियान कह देता है सॉरी मैं तुमसे मैरिज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उसी लड़की से प्यार करता हूँ। रास्ते में देखते हैं याया को जाते हुए, तो वहाँ पर आकर उसे लियान रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दो और मेरे पास वापस आ जाओ, मैं किसी मीमी से प्यार नहीं करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी पागलों की तरह। तो यहाँ पे याया भी रोते हुए कह देती है कि प्यार तो मैंने भी तुमसे बहुत किया है लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे साथ रहने की वजह से मेरी सिस्टर के साथ जो हुआ है वो मैं नहीं भुला सकती हूँ। तुम्हारी सिस्टर वी ने मेरी सिस्टर के फेस को ख़राब कर दिया है, वो सब कुछ मैं कैसे भुला दूँ। यहाँ पे मिस्टर लियान उसे हग कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं एक लड़की को जो कि फेस लगा के रखती है और डॉक्टर को कहती है कि मेरे फेस पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो डॉक्टर के पास उनसे मिलने पहुँच जाती है तो डॉक्टर कहता है तुम तो एक क्रिमिनल हो इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे आ जाती है याया और कहती है मैं जानती थी वी तुम यहाँ पे जरूर आओगी। और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ होता है और वो डॉक्टर से कहती है मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। जब वो डॉक्टर से मिलने पहुँचती है तो डॉक्टर उसे वी का फोटो दिखाता है और कहता है तुम तो एक क्रिमिनल निकली, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ अब। वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने की कोशिश करती है वो लड़की तो उसे रोक लेती है याया और कहती है कब तक तुम भागोगी, मैं जानती हूँ कि तुम वी हो। और वो उसके फेस के मास्क को हटा देती है, जिसके बाद कहने लगती है उससे याया मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें मीमी बनने की कोशिश कर रही हो, इसलिए कल रात मैंने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिक्स कर दिया था जिसके बाद देखो तुम्हारा फेक वाला फेस तुम्हारे फेस से हट ही गया और तुम्हारा ये रियल चेहरा अब सबके सामने आ गया है। अब पुलिस यहाँ पे आती ही होगी तुम्हें पकड़ने के लिए। लेकिन वहाँ से भी भागने लगती है तो याया उसका पीछा करती है। तभी उसे मिल जाती है वहीं पे वी को, याया की सिस्टर। तो वो उसे पकड़ लेती है और कहते हैं कि मैं इसे जान से मार दूंगी, तुम नीच पे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो। अपनी सिस्टर को बचाने के लिए याया ये भी करने लगती है लेकिन इस बार उसकी सिस्टर धक्का दे देती है वी को, लेकिन वी उसे पकड़ के नाइफ से अटैक कर देती है। यहाँ पे वी तो भाग जाती है और याया की सिस्टर घायल हो जाती है। याया उसे देखने लगती है तो वो कहती है अब मैं नहीं बचूंगी, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए बर्डन बन गई थी, तुम अब खुश रहना, ऐसा कहकर उसकी सिस्टर मारी जाती है। यहाँ पे ये सब कुछ देखकर याया बहुत रोती है। लियान को देखते हैं जो कि फ्यूनरल में जाने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर किम उसे नहीं जाने देते हैं याया के पास और कहते हैं आज उसकी सिस्टर तुम्हारी सिस्टर की वजह से नहीं रही है, अब तुम उससे दूर रहो। उसके बाद देखते हैं मिस्टर लियान को, उनका गार्ड आकर कहता है कि मैडम वी के बारे में अभी कुछ नहीं पता चला है, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस बार मीमी क्यों बनी थी और वो तो बॉस आपसे मैरिज करने के लिए भी तैयार हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी सिस्टर हो ही ना। तभी यहाँ पे लियान उसे एक बाल देता है और कहता है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और उसके बाद मुझे जल्दी बताओ। याया को देखते हैं जो काफ़ी दुखी होती है, तो वहाँ पे किम उसका ध्यान रखने के लिए होता है। तभी याया के पास कॉल आता है जिसके बाद याया एयरपोर्ट पे जाने लगती है। यहाँ पे उसे लियान भी पूरे टाइम फॉलो कर रहा होता है। याया एयरपोर्ट पे जाने के बाद एक बच्चे से मिलती है जो कि उसे मॉम कहकर बुलाता है। यहाँ पे लियान उन्हें देखता रहता है। याया वॉशरूम के लिए जाती है तो उस बच्चे को अकेला छोड़ देती है। तभी वो बच्चा लियान की तरफ देखता है और उसे डैडी कहकर पुकारने लगता है। लियान को लगता है कि शायद वो उसका बेटा है इसलिए वो उसे हग करने के लिए उसके आगे आने लगता है, लेकिन वो बच्चा तो पीछे खड़े हुए डॉक्टर किम को जाकर हग करता है और उसे डैडी कहता है। यहाँ पे पता चलता है लियान को कि याया का बेबी है वो भी डॉक्टर किम के साथ, इसलिए वो बहुत दुखी होता है और सोचने लगता है कितना अच्छा होता कि अगर ये बेबी मेरा होता। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद देखते हैं याया को जो कि उस बच्चे को लेकर क्यू के पास पहुंचती है और कहते हैं कि तुम इसे घर लेकर चले जाओ। क्यू उससे कहते हैं कि कब तक तुम मिस्टर लियान से ये बात छुपाओगी कि ये तुम दोनों का बच्चा है। यहाँ पे याया कहती है जब तक वी नहीं पकड़ी जाएगी तब तक मैं मिस्टर लियान को कुछ नहीं बताने वाली हूँ। उसके बाद देखते हैं याया को जो कि घर पहुँचती है, तो वहाँ पर वो देखती है मिस्टर लियान को जिसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया होता है। वो उसके पास आने लगते हैं और उसे हग करते हैं, कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ है, क्या कुछ समय के लिए तुम मेरे पास रहोगी।
याया। वो उसे प्यार से किस करते हैं और फिर रूम में ले आते हैं, जहाँ पे वो बताने लगते हैं कि मेरा सपना था कि मेरी एक फैमिली हो, और आज एक ऐसी ही फैमिली को मैंने रास्ते पे देखा था जिनका एक छोटा सा बेटा भी था। यहाँ पे सोचने लगती है याया कि क्या मैं इन्हें अपने और हमारे बेटे के बारे में बता दूँ, लेकिन वो यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं बताती है। तो एकदम से लियान उसे कहता है क्या तुम मुझे एक बेबी दे सकती हो, और उसे किस करने लगता है, लेकिन याया उन्हें रोक देती है। तो लियान को लगता है कि वो शायद मुझसे नफरत करती है, इसलिए वो मुझे एक बेबी क्यों देगी। याया को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रही होती है, तभी एक पर्सन उसे वहां से उठा ले जाता है। आगे देखते हैं ऑफिस में मिस्टर लियान को, जहां पे असिस्टेंट आकर उन्हें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि आप और वी रियल ब्रदर और सिस्टर नहीं है। साथ में एक ऑर्फनेज की रिपोर्ट भी दिखाता है और कहता है जब आपके फादर को कोई बेबी नहीं हुआ था तो उनकी वाइफ ने बच्चे की जिद की थी, इसलिए उन्होंने उस समय आपको ऑर्फनेज से गोद ले लिया था, लेकिन पूरे 4 साल बाद उन्हें खुद का बच्चा पैदा होता है जो कि वी थी। यहाँ पे मिस्टर लियान तो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनका उस फैमिली से कोई रिलेशन है ही नहीं। वो एकदम से कॉल करने लगते हैं ये बताने के लिए याया के पास, लेकिन याया फोन नहीं उठाती है। तो यहाँ पे लियान अपने गार्ड से कहता है कि याया की लोकेशन के बारे में पता लगाओ। तभी गार्ड के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि किसी ने याया को उठा लिया है। ये बात वो लियान को बताता है। देखते हैं कि याया को वी ने ही किडनैप करवाया होता है, और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी क्योंकि तुमने मेरी खुशियों को छीन लिया है। लेकिन याया हंसती है और कहती है कि तुमने मुझे किडनैप नहीं करवाया है बल्कि मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ। वो यहाँ पे उससे फाइट करने लगती है, उसे कई चाटे मारती है और कहती है बर्बाद तो तुमने और तुम्हारे डैड ने मेरी लाइफ की थी। मेरे मॉम डैड को मार दिया, फिर तुमने मेरी सिस्टर को मार दिया, और तुमने तो मेरे बच्चे को भी मार दिया था। यहाँ पे वो उससे फाइट करने लगती है। यहाँ पे कहती है वी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उस पर अटैक करने लगती है नाइफ लेकर, लेकिन बीच में मिस्टर लियान आ जाता है जिससे कि लियान घायल हो जाता है। तभी वहां पे पुलिस भी आ जाती है जो कि वी को पकड़ने की कोशिश करती है। वी भागने लगती है लेकिन वो किसी चीज से टकरा कर गिरती है, जहां पर तभी उसकी मौत हो जाती है। यहां पे देखते हैं याया को जो कि मिस्टर लियान के पास होती है और कहती है कि ये आपने क्या कर दिया। लियान कहता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मेरे पास समय ना बचे। वो उसे रिपोर्ट दिखाता है और कहता है मेरा और वी की फैमिली का कोई भी रिलेशन था ही नहीं, बल्कि मैं तो उनका अडॉप्टेड सन हूँ। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। याया यहाँ पे ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पे मिस्टर लियान उससे कहते हैं कितना अच्छा होता कि अगर तुम्हारा और मिस्टर किम की जगह वो बेटा मेरा और तुम्हारा होता। तो यहाँ पे याया उन्हें बता देती है कि वो बेटा आपका ही है, मैं आपको ये बात नहीं बता पाई। लेकिन तब तक मिस्टर लियान यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर याया बहुत ज्यादा रोती है। उसके पूरे 6 महीने बाद दिखाया जाता है याया को जिसके साथ उसका बेटा होता है, और कहने लगता है मम्मा डैड हमारे पास कब आएंगे, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। याया कहती है कि तुम्हारे डैड हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन एक दिन वो तुमसे मिलने वापस जरूर आएंगे। तभी दिखाया जाता है मिस्टर लियान को, उन्हें देखकर उनका बेटा भागते हुए उन्हें जाकर हग करता है। यहाँ पे याया कहती है फाइनली लियान तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, उम्मीद करती हूँ अब हम लोग खुशी खुशी एक साथ रह पाएंगे। और दोस्तों ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।